सो गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में बात करेंगे वो 7 टिप्स, पियानो रोल टिप्स जो मैं देने वाला हूँ टू इम्प्रूव योर वर्क फ्लो 10x फास्टर। सो आज वीडियो पे टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट शुरू करते। और वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कॉमेंट ऑन द वीडियो, और वीडियो को एंड तक देखना। सो लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। द फर्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक थिंग, अगर आप लोगों को स्केल्स और म्यूजिक थ्योरी पे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये मेथड यूज़ कर सकते हो। और ये है स्केल मोड, ठीक है? तो इस पर आना है, क्लिक करना है एकदम ये बटन पे आके तुमको व्यू पे जाना है, ठीक है? स्केल हाइलाइटिंग क्लिक करना है और यहाँ पे तुम सेलेक्ट कर सकते हो माइनर या मेजर, ठीक है? ये दोनों ज़्यादातर कॉमन है म्यूज़िक पे, और तुम अलग भी सेलेक्ट कर सकते हो। सो माइनर नेचुरल कोई भी की तुम सेलेक्ट कर सकते हो, सी हो गया, सी शार्प हो गया, डी, यहाँ के जितने भी कीज़ है कोई भी सेलेक्ट करो। फॉर एग्जांपल मेरे को इसमें सी सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये तो ग्रे नोट्स, ठीक है? ये हो गया, ये सब स्केल के अंदर है। तो इसको क्या करो, एक सैम्पलर चैनल ऐसा लोड करना, ऐसा करो सी, ये हो गया पूरा स्केल। इसको तुम लोग कॉपी करके नीचे भी ला सकते हो एक बार, और फिर एक ऊपर में भी रख सकते हो। उसके बाद तुम कोई भी प्लगइन खोलोगे तो यू कैन सी हाईलाइट हो चुका है। तो इस स्केल के अंदर तुम अपनी आराम से म्यूजिक बना सकते हो। अगर तुम्हें कोई नॉलेज नहीं है इतना थ्योरी का, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है? तो अभी नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज घोस चैनल्स, ठीक है? तो घोस चैनल्स क्या होता है? बेसिकली ये जो दिख रहा है, ये घोस चैनल्स एक्टिवेट होने से दिखता है। अगर इसको एक्टिवेट डीएक्टिवेट करेंगे तो ये नहीं दिखेगा। घोस चैनल से क्या होता है, लाइक इफ यू पुट अप अ कॉर्ड, ठीक है? एक कॉर्ड होता है या कॉर्ड्स हो गया तुम्हारा एक, उसमें तुमको अगर फॉर एग्जाम्पल अगर तुम 808s कर रहे हो, बेस लाइन बना रहे हो, तो तुमको उसका बेस लाइन फॉलो करना है, तो यू कैन यू नो यूज द हेल्प ऑफ घोस चैनल, और घोस चैनल के हिसाब से तुम अपना बेस लाइन बना सकते हो। तो घोस चैनल एक्टिवेट करने के लिए यू गो हियर एंड देन ये घोस चैनल्स जो दिख रहा है इसको क्लिक करना है। बेसिकली अभी एक्टिवेटेड है, इसको फिर क्लिक करूंगा तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो देखो जैसे डीएक्टिवेट हो गया, सब गायब हो गया वहां से। सो दैट्स ऑल। मेरा थर्ड टिप है कॉर्ड स्टेम्स, ठीक है? अगर तुम्हें ना कॉम्प्लेक्स कॉर्ड्स कुछ पता नहीं है, माइनर सेवेंथ हो गया, माइनर नाइन्थ हो गया, तो FL का बिल्ट इन कॉर्ड स्टेम है, ठीक है? तो वो मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे क्लिक किया मैंने, सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हें दिख सकता है कि यहाँ पे सस्पेंडेड 2 है, माइनर 9th है, माइनर 7th है। तो अगर मैंने माइनर 7th क्लिक किया और फिर सी में दबाया, तो देखो डायरेक्ट कॉर्ड बन गया। तो इसी तरह तुम कॉर्ड्स बना सकते हो। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कॉर्ड स्टैम्प में जाके मेजर 7th बना सकता हूँ। यू गेट द आइडिया, राइट? सो ये हो गया कॉर्ड स्टैम्प। इसको यूज कर सकते हो इफ़ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट यू नो कॉम्प्लेक्स कॉर्ड्स। तो फोर्थ टिप है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है, और वो है शॉर्टकट्स। क्योंकि ना शॉर्टकट्स जो होता है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हेन यू आर विद एन आर्टिस्ट, यू नो टाइम इज रनिंग आउट, ये सब शॉर्टकट्स अगर जानते हो ना तो वर्क फ्लो बहुत इंप्रूव हो जाता है, ठीक है? और इससे टाइम भी बहुत बचता है। तो अभी मैं दिखाता हूँ जो जो मैं यूज़ करता हूँ, और जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाले शॉर्टकट्स दिखाता हूँ। काफ़ी तो शॉर्टकट्स है, बट यू नो आई जस्ट शो यू द मेन शॉर्टकट्स दैट यू नीड टू इम्प्रूव योर वर्क फ्लो। फर्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल ए दबाना है तो पूरा सेलेक्ट होता है, फिर कंट्रोल बी दबाना है यू नो डुप्लीकेट होता है, उसके बाद ये शॉर्ट नोट्स को लॉन्ग करना है तो कंट्रोल एल दबाना है, लॉन्ग नोट्स को शॉर्ट करना है, और शिफ्ट डी दबाना है। तो ये हो गया, काफ़ी हैंडी शॉर्टकट्स हो गया। उसके बाद हो गया फॉर एग्जाम्पल 808 में काम कर रहे हो, ठीक है? अगर तुमको स्लाइड करना है एस दबाना है, उसके बाद तुम ऐसा कुछ नोट्स डाल सकते हो, यू कैन वर्क ऑन योर 808s। नेक्स्ट शॉर्टकट है क्वांटाइज। फॉर एग्जांपल तुमने कुछ रिकॉर्ड किया, ठीक है? और मैं कुछ ऐसे जस्ट फॉर फन कुछ लाइव रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद उसको क्वांटाइज करना सिखाता हूँ। सो मैंने कुछ रिकॉर्ड किया इधर, कोई कोई नोट्स यू नो ऑफ टाइम हो रहे हैं, तो इसको क्विकली क्वांटाइज करना है, तो इसको सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद कंट्रोल क्यू दबा देना, तो ये क्वांटाइज हो गया। ऑल्ट क्यू दबाने से थोड़ा सा मतलब यू गेट अ लिटिल बिट ऑफ इन डेप्थ क्वांटाइजेशन, जैसे कि तुम यहाँ जा सकते हो, फिर यहाँ पे यू नो यू कैन सेलेक्ट एंड प्ले अराउंड विद द ग्रूव्स एसेट्रा, स्टार्ट टाइम के साथ खेल सकते हो, ड्यूरेशन के साथ खेल सकते हो, और यहाँ पे लीव ड्यूरेशन, लीव एंड टाइम, काफी कुछ चीजों से खेल सकते हो, इवन विद द वेलोसिटीज आई गेस। सो ये हो गया शॉर्टकट टू क्वांटाइज। सो गाइस नेक्स्ट शॉर्टकट है सेलेक्टिंग रैंडम नोट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम यहाँ पे जाओगे और फिर इसको सेलेक्ट किया,
फिर इसको सेलेक्ट किया, ऐसा ऐसा करने में काफ़ी टाइम यू नो लग सकता है। तो इसका भी एक शॉर्टकट है, यू कैन जस्ट प्रेस शिफ्ट एम और ये काफ़ी रैंडम नोट्स सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे आके इसके वेलोसिटी के साथ खेल सकते हो। और एक तरीका है और वो है शिफ्ट आर दबाओगे तो सिंगल सिंगल नोट तुम सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसा यू नो यू कैन प्ले अराउंड विद द वेलोसिटीज। सो ये हो गया काफी हैंडी शॉर्टकट्स गाइस, इसको तुम यूज कर सकते हो जस्ट टू इम्प्रूव योर वर्क फ्लो अगेन। सो गाइस नेक्स्ट टिप हो गया वो शॉर्टकट्स जो तुम मेलोडीज पे भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है कॉर्ड्स, ठीक है, ये कॉर्ड्स डायरेक्ट तो इसको सेलेक्ट करना है, ऑल्ट एस दबाना, तो इससे क्या होता है स्ट्रम होता है, थोड़ा सा रियलिस्टिक फील आता है, ठीक है। तो अभी सुन के देखना, तो इसके टाइम और वेलोसिटी से तुम खेल सकते हो और काफी कुछ ऑप्शंस है यहाँ पे जो तुम खेल सकते हो। सो ये हो गया तुम्हारा कॉर्ड स्ट्रमिंग। सो नेक्स्ट शॉर्टकट है आरपेजियोस बनाना। फॉर एग्जाम्पल ये कॉर्ड है ना, इसको आरपेजिएट कैसा करना है, ऑल्ट ए दबाना, तो इधर पे काफी सेटिंग्स आ गए जो तुम खेल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रेंज के साथ खेलोगे तो वो यू नो एक दो ऑक्टेव तक चला जाता, तीन पे जाओगे तो तीन पे, और सिंक पे खेलोगे तो कॉर्ड के साथ, यू नो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस जो तुम खेल सकते हो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ये किया है तो इसको मैं ऐसे ही प्ले करता हूँ, you get the idea, right? You can play and you know come up with different kind of melodies that you have never thought about. Next shortcut ho gaya alt x guys, you know without coming here and playing with the velocities you can just go up or down like this, yahan pe offset bhi kar sakte ho or you know you can play with this tension ke sath bhi khel sakte ho. So you know there are a lot of things that you can play with this also. Alt x se tumko kafi ऑप्शंस मिलता है टू प्ले विद द वेलोसिटीज, ठीक है। द नेक्स्ट हैक इज ऑल्ट आर, व्हिच मींस रैंडमाइज करना है जो वेलोसिटी होता है ना उसको, ऑल्ट आर दबाने से यू कैन रैंडमाइज योर वेलोसिटीज। फॉर सम रीजन मेरा ऑल्ट आर क्यों पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है, बट एनीवे यू कैन गो हियर एंड यहाँ पे रैंडमाइज दिख रहा है, इसको क्लिक करने के बाद यू कैन सी दैट यू कैन प्ले विद द वेलोसिटीज ओवर हियर। सो इससे क्या होता है यू कैन ब्रिंग इन मोर ऑफ दैट यू नो रैंडम वेलोसिटी से क्या होता है मोर ह्यूमन फील आता है अपने मेलोडीज पे, क्या होना सब एक ही साउंड पे तो कोई प्ले नहीं कर सकता है, रियल प्लेयर कभी भी एक साउंड में प्ले नहीं करता है। सो यूजिंग दिस यू कैन ब्रिंग इन मोर डायनामिक रेंज टू योर मेलोडीज जस्ट लाइक दैट। नेक्स्ट हो गया चॉपिंग गाइस, लेट मी शो यू। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक नोट दिया, यू कैन क्लिक कंट्रोल यू डायरेक्ट चॉप करता है, ठीक है, एंड ऑल्ट यू एक विंडो निकलता है यहाँ पे विच यू कैन यूज इट। फॉर एग्जाम्पल ये टाइम मल्टीप्लायर यूज किया तो यू कैन यू नो हैव डिफरेंट काइंड ऑफ चॉप्स। इफ यू क्लिक ऑन दिस बटन ओवर हियर यहाँ पे तुमको और भी प्रीसेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस आर द टिप्स गाइज फॉर योर पियानो रोल। अभी हम नेक्स्ट टिप में जाते हैं। सो गाइज जो नेक्स्ट टिप है ना वो है स्टेप एडिटिंग मोड, और ये ना मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है और काफी हैंडी है। सो आई एम गोना शो यू गाइज राइट नाउ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई हैट, मैंने हाई हैट पैटर्न ड्रॉ किया है। इस मोड में तुम क्या कर सकते हो, बेसिकली यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ दिस। फॉर एग्जांपल हाफ स्टेप मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद तुमको ये बटन पे क्लिक करना है, तुमको यहाँ पे आना है, इस एरिया पे एक रोल चाहिए, ठीक है, तो मेरे को ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद तुमको जस्ट बटन दबाना है, सो एक रोल बन गया जस्ट विद द क्लिक, सी। सो ये काफ़ी हैंडी है। फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मुझे 1/3 बीट पे एक रोल चाहिए, ठीक है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है एंड में चाहिए, तो यू कैन डू दिस, ठीक है। देखो कितना आसानी से बटन दबा के ही हो गया, इंस्टेड ऑफ गोइंग इन एंड यू नो ड्रॉइंग इन द नोट्स, ऐसा ऐसा करके नोट्स ड्रॉ करने से अच्छा ऐसा बटन दबा दो और बस हो गया। सो दिस इज वन टिप गाइस यू कैन यूज। सो गाइस जो फाइनल स्टेप है ना, ये मेरा एक बोनस टिप है तुम लोगों के लिए। यहाँ पे तुम मीडी पे क्लिक कर मतलब काम कर रहे हो, ठीक है, एंड यू वर्किंग हियर, फिर तुमको कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे आके क्लिक करने की जगह व्हाट यू कैन डू इज जस्ट प्रेस F3 और फिर यहाँ पे सब ऑप्शंस निकल जाता है, ठीक है, एंड यू कैन डू ऑल दस थिंग्स दैट यू वांट टू डू। यहाँ पे यू नो यू कैन सेलेक्ट द ब्रश टूल, यू कैन सेलेक्ट दिस, यू कैन सेलेक्ट कट टूल और काफ़ी कुछ तुम सेलेक्ट कर सकते हो, बस F3 दबाना है और हो गया। दैट्स ऑल्सो वेरी हैंडी। और ये कि तुम यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है, एंड देन यू वांट टू शिफ्ट बिटवीन द पेंसिल टूल, फिर उसके बाद ब्रश टूल, या नहीं यहाँ पे आके क्लिक करने से अच्छा है राइट क्लिक करो और माउस का स्क्रॉल द माउस लाइक दिस
और तुमको क्या क्या सेलेक्ट करने को मिल जाता है, ठीक है। सो दिस टू टिप्स आर ऑल्सो वेरी हैंडी गाइस, ये यू नो वर्क फ्लो पे बहुत टाइम बचाने वाला है। ये टिप्स को तुम फॉलो करना ताकि तुम अपना टाइम बचा सको काफ़ी। ये मैं भी फॉलो करता हूँ, काफ़ी टाइम मैं भी बचा लेता हूँ। इसको याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा बट विद इन प्रैक्टिस तुम धीरे धीरे कैन जस्ट मास्टर दिस लाइक शॉर्टकट्स। तो इसको तुम यूज़ करना अपने बीट्स पे और टाइम सेव करना, ठीक है। तो होपफुली तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा। सो गाइस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कॉमेंट, अगले वीडियोज़ भी आने वाले हैं और इस चैनल को फॉलो कीजिए क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ आने वाले हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। सो गाइस टेक केयर, पीस आउट।